गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आप सबको पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीडीएस की सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं, जहां पर हम डेली आपको 10 क्वेश्चन कराते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, और ये 100 डेज चलेगा, यानी कि 1000 क्वेश्चंस, 10 पेपर, एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस में हम फॉर्मूला अप्रोच यूज करते हैं, कहीं डिटेल्ड अप्रोच, कहीं ऑप्शन अप्रोच, तो आपको क्वेश्चन मल्टीपल अप्रोचेस से कराया जाता है। सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप सारे लोग इन सेशंस को मिस मत करा करो, बिकॉज दीज सेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। जैसे कि आप देखोगे, 12th को क्वेश्चन 1 टू 10 कराया गया था, 13th को 11 टू 20 कराया गया, 14th को 21 टू 30, 15th को 31 टू 40, आज 16th को हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 टू 50। सो अब हम शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, tan थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन, और बोला जा रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस cos थीटा प्लस 2। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्यों है, क्योंकि आपको पता है अगर एक ट्राइंगल है उसमें ये एंगल थीटा है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बेस पी। पाइथागोरस की मदद से आप ये वैल्यू निकाल लोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी क्यू। अब पूछा जा रहा है sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, cos थीटा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस 2। अगर आप इसे सॉल्व करो तो डिनोमिनेटर में पी क्यू, यहाँ आएगा क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, यानी कि पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। सो इसका जो आंसर है दैट इज बी ऑप्शन, आंसर इज बी ऑप्शन। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते, वीडियो को पॉज करा करो, खुद ट्राई करा करो, एंड देन सॉल्यूशन को देखा करो अगर आपसे नहीं हो रहा तो, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन बात है, इस क्वेश्चन में एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहले आप सब लोग उस चीज को समझ लो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहां पर मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ, कभी भी आपके पास लिखा आ जाए ऐसा कुछ, कभी भी आपके पास ऐसा कुछ लिखा है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, और यहां पर कंडीशन ये है, कंडीशन ये दी हुई है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर। तो आप सिंपल एक काम करना, जब पूरी इक्वेशन को आप c से डिवाइड कर दोगे तो वो बनेगा a by c sin theta plus b by c cos theta is equal to 1। तो ये ध्यान रखना, जो भी sin theta के साथ लिखा that is the value of sin theta, जो भी cos theta के साथ लिखा that is the value of cos theta। ये हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं, जो हमारे कोर्स होते हैं उनमें ये सब चीजें डिटेल में डिस्कस करी गई हैं, बट अभी मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ क्या यूज होगा इस क्वेश्चन। सो अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ जो आपको दिया गया। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो जो नंबर्स आपको दिए गए 11, 60, 61 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी कि ये ट्रिपलेट को फॉलो कर, और जब ये ट्रिपलेट को फॉलो कर तो मैंने आपको सिंपल बात बोली है, आप क्या करोगे जब आप इस पूरी इक्वेशन को 61 से डिवाइड करोगे, सो 11/61 साइन थीटा प्लस 60/61 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो जो साइन थीटा के साथ लिखा वो साइन थीटा की वैल्यू, जो cos थीटा के साथ लिखा वो cos थीटा की वैल्यू, तो मुझे sin थीटा की वैल्यू पता चल गई। सो sin थीटा इज 11/61, cos थीटा इज 60/60। अब जो पूछा जा रहा है बस वैल्यू पुट करो, यू विल गेट योर आंसर, अंडर रूट ऑफ 660 ब्रैकेट में tan थीटा, tan थीटा होता है sin / cos, सो 11/60 cot थीटा tan का रेसिप्रोकल। अब अगर आप इसे सॉल्व कर दो, अंडर रूट ऑफ 660, नीचे यहाँ एलसीएम में 660 आ जाए, यहाँ 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर जो कि 61 का स्क्वायर होगा, तो अभी मैं 61 स्क्वायर ही लिख रहा हूँ, ये कैंसिल हुआ, सो रूट इज 61। सो आंसर फॉर दिस इज ए ऑप्शन। सो अच्छा क्वेश्चन था बट सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या बोला गया, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल inscribed in a regular polygon of 15 sides with side length unity। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है what is the diameter of a circle inscribed in a regular polygon, ठीक है, एक regular polygon 15 साइड का। अब देखो अभी मैं 15 साइड का नहीं बना रहा, मैं आपको सिंपल एक पॉलीगन बना के दिखा रहा हूं, ठीक है, मैं सिंपल एक पॉलीगन बना के दिखा रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, अभी मैंने सब 6 साइड कर लिए आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए।
15 साइड का पॉलीगन बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे को आंसर सही करना होता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर एक सर्कल बना रहा हूँ, मैंने अभी 6 साइड का पॉलीगन लिए, हम 15 साइड में भी आ जाएंगे, बट पहले इसको समझते। अब आप इसके अंदर सर्कल बना, ठीक, मान लो ये 15 साइड का होता, तो जब आप इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करते, जब आप इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करते, ए बी ओ, ऐसे 15 ट्राइंगल्स बनते, क्योंकि 15 साइड का पॉलीगन होता तो 15 ट्राइंगल्स बनते। अब आपको होता है ये जो एंगल होगा, क्योंकि अगर 15 ट्राइंगल्स बनते, आप ऐसे ज्वाइन करते 15 ट्राइंगल्स बनते, तो हर एंगल कितना आता, वो थीटा आता 360 डिवाइड बाय 15, जो कि होता 24 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल ए ओ बी की बात करें, ए ओ बी ओ बराबर। अब मैं सिर्फ ट्राइंगल बना रहा, अब मैं पूरी फिगर नहीं बना, तो अब आप ट्राइंगल पे फोकस करो। अगर हम ट्राइंगल की बात करें, आप सिर्फ इस ट्राइंगल पे ध्यान दो भाई, ओ ए बी, अब ये आइसोसेल्स ट्राइंगल जिसका एंगल ए ओ बी 24 डिग्री, बट जब आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 12 डिग्री, ठीक। तो अब इस पे ध्यान दो, अब आप देखो उसने बोला है कि जो साइड है वो 1, यानी कि ए बी की पूरी लेंथ 1, जब आइसोसेल्स ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जाता है तो ये दोनों को बराबर हिस्सों में बांटे, यानी कि ये भी हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं रेडियस की, तो रेडियस तो ये हाइट है, ओडी इज द रेडियस, यहां आर लिख लेते। अब अगर आप इस ट्राइंगल को देखोगे, ट्राइंगल ODB, अगर मैं आपको बोलूं tan 12 डिग्री, परपेंडिकुलर जो कि हाफ अपॉन बेस जो कि आर, यहां से 2R की वैल्यू निकालूंगा, तो 1/tan 12, सो 2R होता है डायमीटर, डायमीटर ही पूछा, ये कितना हो जाएगा cot 12, सो इसका जो आंसर होगा दैट इज बी ऑप्शन, आंसर इज बी ऑप्शन। समझ आया सबको, किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तो इसका आंसर इज 12, cot 12। अगला क्वेश्चन देखो, तो आप वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, एंड देन लुक एट द सॉल्यूशन। सिर्फ सॉल्यूशन देखोगे तो सीखोगे। x = 1 + sin θ / cos θ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? अब ये आपसे पूछा जा रहा है, x की वैल्यू दी है, ये हमें सॉल्व करना। हम इसी एक्सप्रेशन को देखते हैं, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, sec θ + tan θ, उसको लिखा sec θ + tan θ, -1 को मैं लिख रहा हूं sec²θ - tan²θ, क्योंकि sec²θ - tan²θ 1 ही होगा। अब अगर आप इसे देखो, अभी मैं सिर्फ न्यूमरेटर की बात करूं, अभी मैं पहले सिर्फ न्यूमरेटर को समझ रहा हूं। सो न्यूमरेटर में अगर आप देखो, मैंने sec θ + tan θ कॉमन लिया, क्योंकि ये sec θ + tan θ, ये sec θ + tan θ * sec θ - tan θ, तो यहां 1 आएगा -sec θ + tan θ। अब ये हमारा न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर में हमारे पास था tan θ - sec θ + 1, तो ये यहां से कैंसिल, तो यह sec θ + tan θ। अब sec θ + tan θ क्या होता है? sec θ = 1/cos θ, tan θ = sin θ / cos θ। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 + sin θ / cos θ, जो कि x ही है। सो आंसर इज बी ऑप्शन। कैसा लगा ये क्वेश्चन? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, अगर आप इस पर प्रॉपरली फोकस करोगे। और ये सारे क्वेश्चन SSC मेंस में भी काम आने वाले हैं, जिनका एग्जाम SSC मेंस का होगा, अदरवाइज CDS के तो ये एक्चुअल क्वेश्चन ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? tan θ + sin θ / tan θ - sin θ = sec θ + 1/sec θ - 1, क्या पहली स्टेटमेंट करेक्ट है? ऐसे दूसरी स्टेटमेंट, cos²θ - sin²θ / cos²θ + sin²θ = 2 tan θ / tan²θ + 1, क्या दूसरी स्टेटमेंट सही है? तो दो स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टेटमेंट देखता हूं, फर्स्ट स्टेटमेंट में यहां लिखता हूं tan θ + sin θ, तो tan थीटा को मैं ले सकता हूं sin θ / cos θ, मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं sin θ / cos θ - sin θ, तो अगर आप sin θ कॉमन ले लोगे तो वहां बचेगा 1/cos जो कि sec θ + 1, इधर से sin θ कॉमन लोगे सो वो आएगा sec θ - 1। सो अगर आप इसे देखो, ये मैच कर गया, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट तो करेक्ट। अब आते हैं सेकंड में, अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं तो अब देखो सेकंड स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है,
cos square theta minus sin square theta upon cos square theta plus sin square theta is equal to this. तो एक काम करते हैं, मैं इसका RHS पहले स्टार्ट करूं, क्यों करूं उसके पीछे रीजन समझाता हूं। देखो RHS में दिया हुआ 2 tan theta, उसको लिख सकते हो 2 sin theta by cos theta, और ये है sin square theta by cos square theta plus 1। अब जब आप इसका LCM लोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 sin theta by cos theta, यहां पर बनेगा sin square theta plus cos square theta जो कि 1 होगा, 1 by cos square theta जो कि cos square थीटा ऊपर आ जाएगा, तो ये बना 2 sin theta cos theta, 2 sin theta cos theta जो कि होता है sin 2 theta। बट अगर आप इसे देखो जो राइट लेफ्ट, ये हमने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, cos square theta minus sin square theta, तो खुद ही cos 2 theta होता है, cos 2 theta by 1 तो cos 2 theta, तो ये मैच नहीं करा, सो सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, सो आंसर इज ओनली 1, आंसर इज ए ऑप्शन, आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक, तो देखो इसका आंसर इज ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा इज 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, सारे लोग ट्राई करो। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं सबसे पहले, तो मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन आती है, 5 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा प्लस cos theta, और अगर सॉल्व करूं तो 4 sin theta is equal to 6 cos theta, 4 sin theta 6 cos theta के बराबर, तो 2 sin theta 3 cos theta के बराबर, 2 sin theta 3 cos theta के बराबर। अब या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, आप यहां से ये जब आपके पास पार्ट आ गया, अब यहां से आप बोल सकते हो sin theta by cos theta क्या वैल्यू होगी, 6 by 4, और 6 by 4 क्या होता है 3 by 2, यही तो है। अब ये एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करना, ये एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करना, पूरे एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos theta से डिवाइड करो, जब आप cos theta से डिवाइड करोगे तो बनेगा 2 sin theta by cos theta plus 3 sin theta by cos theta minus 2, तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये 2 into 3 by 2 plus 3 अपॉन 3 इंटू 3 बाई 2 माइनस 2, तो ये कितना बना 6 बाय 5 बाय 2 जो कि 12 बाय 5। देखो मैं कई बार कुछ स्टेप्स कम लिखता हूं जस्ट बिकॉज कि आपकी भी ऐसे हैबिट डेवलप हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेप्स लिखोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। ऑल ऑफ यू ट्राई दिस अगेन, अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब आप देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखते हो इसकी, ये कुछ दिया हुआ 1 by cos theta minus cot theta minus 1 upon sin theta is x, तो 1 by cos theta minus cot theta, 1 को आप लिख सकते हो cos square theta minus cot square theta upon cos theta minus cot theta, और minus 1 by sin theta होता है cos theta is x, तो ये वाली वैल्यू आएगी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू बेसिकली आ रही है, तो एक्स जो है वो कॉट थीटा। अब आप देखो ये जो आपको दिया गया, अगेन जब आप यहां पर वन की जगह लिखोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो ये तो आएगा कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो ये बेसिकली बना क्या माइनस कॉट थीटा एक्स है, तो ये हुआ माइनस एक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, चलो आगे बढ़ते सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो। अब इस क्वेश्चन को देखो कितना सिंपल, इस तरह के क्वेश्चन में तो बेस्ट होता है पुट थीटा एज 90 डिग्री, कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, 90 रख दिया, 2 into sin 90 की पावर 6, so 2 into cos 90 की पावर 6, cos 90 का होता है 0, minus 3 into sin 90 की पावर 6, minus 3 into cos 90 की पावर 6, अब ये what 2 minus 3, that is what minus 1, so answer is the option। See the next question। अब इस question में आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो सब जरूर नोट कर लो।
कभी भी आपको दिया हो, कभी भी आपको दिया हो, मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही हो किसकी, ए sec स्क्वायर थीटा प्लस बी cosec स्क्वायर थीटा। तो इसका शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आया ये सब क्लास में पढ़ाया गया, अभी क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करें तो मैं आपको डायरेक्टली शॉर्टकट बता रहा हूं, इसको जरूर नोट कर लेना। अब आप देखो इस क्वेश्चन में अगर इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो सीधा अंडर रूट ऑफ 3600 प्लस अंडर रूट ऑफ 121 और इसका होल स्क्वायर। अंडर रूट 60, 3600 क्या होता है 60, वो 11 इसका होल स्क्वायर। तो अब आप देखो ये 71 का होल स्क्वायर, मेरे को सॉल्व नहीं करना, मुझे पता है लास्ट में बनाना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। 70 का स्क्वायर होता 4900, तो आंसर 4900 से बड़ा हो, सो आंसर इज डी ऑप्शन। समझ आया सबको, किसी को कोई डाउट? चलो अगला क्वेश्चन देखो, सारे लोग इसे ट्राई करो, अभी वीडियो पॉज करो और ट्राई करो इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और आप देखो मैं क्या अप्रोच आपको बता दूं, यहां पर ये 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो मान लेते हैं लेट ये एक्स है, एक्स है 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्यों लिख रहा हूं ऐसा, क्योंकि यहां पर उसका रेसिप्रोकल है, तो ये बेसिकली क्या था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो ये बेसिकली बना क्या, ये बना अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या है, एक्स माइनस 1 बाय एक्स। अब एक्स क्या है हमारा, वैल्यू अगर पुट करूं तो x हमारा है 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और 1 बाय x क्या, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब आपको ये पता है ये 1 और cos square theta, 1 minus cos square theta, क्या होता है sin square theta, sin square theta plus sin square theta, 2 sin square theta, 2 sin square theta plus 2 sin theta upon cos theta into 1 plus sin theta। ऊपर से 2 sin theta जब आप कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा sin theta plus 1 और वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और जब वो डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा तो आपके पास बचेगा 2 sin theta by cos theta, यानी कि 2 tan theta। Again a very very good question, समझ आया सब? So आज के हमने 10 questions कर लिए, ठीक है? अगर आपको हमारे paid batches को join करना है, तो you can talk to our counselors, number screen पर है 8585858585, ठीक है? और अगर आपको CDS का course लेना है, तो you can use this code UDM10। अगर आप इस कोड का यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, इतना अच्छा पढ़ाया भी जाएगा, डिस्काउंट भी मिल रहा है। सो व्हाई यू आर वेटिंग फॉर, ज्वाइन द कोर्स। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस लिंक को ज्वाइन कर सकते हो, यहां पर आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी जो भी हम क्लासेस आपको पढ़ा रहे। सो अभी आज के लिए सिर्फ इतना पार्ट, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, जय हिंद।